ये वो घर है जहाँ मैं रुका था, रात को खाना खाया था। तो मुझे पहले दिन का शुरुआत हो गया, मैं बैग पीछे रख देता हूँ पार्टी माते। तो मैं बहुत ही फेमस पर्सन के जन्म स्थान पे हूँ। तो कसा का है रत्नागिरी, मैं हूँ रत्नागिरी में। सो ये किले से पूरा रत्नागिरी का व्यू दिखता है पूरा। अरे बाप रे, शर्मा मत, अरे शर्मा मत। पहले फिश खा के देखते हैं, एकदम फ्रेश फिश। हेलो गाइस, मैं हूं निर्भय एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज है day 5 मेरे सीरीज फ्री भारत यात्रा का। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए, उससे ही काफी हौसला मिलता है। एंड और आज मैं सोया था आरे वाले रोड पर जो है रत्नागिरी से 8 किलोमीटर दूर। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ सोया था मैं। टिपिकल गांव में सोया हूँ, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये वो घर है जहाँ मैं रुका था, रात को खाना खाया था। रात को आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया था, बट ये वो घर है जहाँ मैंने खाना खाया, सबके साथ रहा एंड मैं बाहर सोया। बोल रहे थे अंदर सोने, बट मैंने बोला क्यों किसी को और तकलीफ देना, मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप गाइस आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लग रहा है एंड मेरा हालत ख़राब है। मुझे हुआ है सर्दी खांसी सब हो गया है मुझे, अब पता नहीं यहाँ पे रात को बहुत खांसी किया मैंने। यार ये प्यारा सा व्यू है, ये नारियल के पेड़ अलग ही वाइब देता है। तो चलो ये तो हो गया आज ड्रीम पूरा मेरा। मुझे टिपिकल गाँव में रुकना था, मैंने रुक लिया। फिलहाल यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है नहाने के लिए। एंड ये टॉयलेट अपना, एंड ये टेंट है अपना, एंड ये घर है उनका, सब व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, कोई टेंशन नहीं इधर अभी, खाली तबीयत को छोड़ के। अच्छा लगा मिलके आपके। आपका नंबर है 96 का? यस यस सर। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर। हाँ सो फाइनली अभी मैं आपको फ्रेश लग रहा रहूँगा। तो अभी सीधा उठ के मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था एंड मुंह भी नहीं धोया था। अभी नहा के मस्त फ्रेश होके परफ्यूम लगा के आई एम रेडी टू लीव। अभी मैं हूँ वही आपको जो बताया था वो गांव में आरे वारे रोड है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर हूँ मैं। तो सबसे पहली बात अंकल की हॉस्पिटैलिटी पे आते हैं। अंकल ने हर एक चीज़ किया मेरे लिए, गर्म पानी भी दिया, खाना भी बनाया, हमने साथ में खाना भी बनाया, मज़ा आया। तभी एक फैमिली टाइप ऐसा बॉन्डिंग हो गया था, मस्त था। आज मैंने सबसे जल्दी शुरू किया 9:30 बजे, मैं 9:30 बजे खड़ा हूँ रोड पर, हाँ वाकई सब बैग वैग पैक है। तो मुझे पहले दिन का शुरुआत हो गया, मैं बैग पीछे रख देता हूँ पार्टी माते। तुम्हें कुठे इच्छे है? अच्छा तो तुम्हें रत्नागिरी ला जाता है, कामत सर चलो। तो दिन का शुरुआत हो चुका है एंड काका मुझे रत्नागिरी छोड़ रहे हैं, जहाँ से 8-10 किलोमीटर है ना काका? 10 किलोमीटर है। आपने मेरे को क्या देख के लिफ्ट दिया? नमस्कार। बैग। तो मैं बहुत ही फेमस पर्सन के जन्म स्थान पे हूँ। फ्रीडम इज माई राइट एंड आई शैल हैव इट, ये उनका कोट था। तो मैं बताता हूँ, अभी रिवील करता हूँ, ये उनका घर है एंड द पर्सन इज लोकमान्य तिलक जी। ये उनका घर, ये हॉल होगा। तो कसा का है रत्नागिरी, मैं हूँ रत्नागिरी में एंड रत्नागिरी तो आप जानते हो किस लिए फेमस है, उसके आम रत्नागिरी आपूस बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर जगह एक्सपोर्ट होता है एंड बहुत टेस्टी होता है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ जेटी पे, वहाँ से कुछ देखते हैं, मुझे फिशिंग करने जाना है यार, मैं कब से सोच रहा हूँ, कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। काका कुछ ये जेटी, जेटी पे? हाँ जेटी पे जाना है। जेटी जाएंगे तो जाएंगे, वहाँ रास्ता लगता है, वो गाड़ी खड़ी है तो कोई जली। अच्छा अच्छा है, सीधा जाएगा, क्या रास्ता मिलता है, सीधा सीधा चलते हैं, घुस जाऊँ। तो अभी जा रहे जेटी पे, अकेले घूमने का अलग ही मजा है। खड़ोगे काका का आगे तक? मैं जेटी तक जा रहा था, मतलब आगे बीच में भी छोड़ दोगे चले? हाँ ठीक है, इधर ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा बैग भारी होगा।
कहाँ से आया? मैं मुंबई से आया हूँ घूमने के लिए। हाँ मैं पूरा भारत अभी घूम रहा हूँ। अच्छा हाँ सुनो क्या बात। थैंक यू काका। यस वेलकम। नाम कैसा है आपका? निर्भय सिंह। निर्भय सिंह। हाँ अरुण जोशी। अरुण जोशी थैंक यू। यस वेलकम। बाय बाय। आओ जेटी तक। जेटी तक जेटी तक जेटी तक। थैंक यू। तो भाई मैंने अपना बैग वहाँ रख दिया। यहाँ पे दुकान है, नायक आंटी बैठी थी। तो मुझे किले में जाना था तो बहुत ऊपर है तो मैं इतना बड़ा बैग लेके नहीं जा सकता। काका वर्ती जाते तुम्हें? अच्छा इधर ही तक जा रहे थे। अच्छा भाई बिना बैग के घूमने में ना अलग ही मज़ा है। ये पूरा बैग से घिस गया। ये आज ये मैंने ये स्लीवलेस पहना तो घिस रहा है पूरा। अभी वापस जाके कपड़ा चेंज करूँगा। फिलहाल तो आंटी कहाँ रख दिया एंड फ्रीली घूम रहा हूँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है फ्रीली। भाई गीला चढ़ते रहते तो अपना गीला हो गया। आइडिया नहीं इतना ऊपर रहेगा। हेलो वाह। तो ये था एंट्री किला का। तो यहाँ पे मंदिर भी है, देवी भगवती मंदिर किले रत्नागिरी। चलो अंदर जाके दर्शन करते हैं फिर और घूमते हैं। सो ये किले से पूरा रत्नागिरी का व्यू दिखता है पूरा, और बहुत अमेजिंग व्यू है। तो किला काफ़ी बड़ा है, पूरा घूम भी नहीं पाया मैं। जितना हो सका उतना देखा मैंने। अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे, क्योंकि नीचे भी जाना है, बहुत दूर है। चल के आया हूँ। और कौन बोलेगा ये ठंडी का महीना चल रहा है यार। इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गर्म हो रहा है ना पूरा। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो थोड़ा पीएच नहीं, ना पीएच नहीं, बस खूबस गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। मुंबई वरुण एक टच। इतना भरपूर गर्मी है ना। एंड ये पूरा चढ़ के गया था मैं ऊपर। सबसे पहले पानी पीऊँगा, वो भी ख़त्म हो गया, अब वो भी भरना पड़ेगा। ये चला काका चलो। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूँ जहाँ पे लोग फिशिंग करने जाते हैं। एंड मैं परमिशन लेने वाला हूँ, क्या मुझे लेकर चलोगे? मिलता है तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे चाहिए कि मैं जाऊँ, बट देखते हैं क्या होता है। ये रहा पूरा बोट। कौन सा बोट जा रहा है वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। कौन सा मछली है भाई? बांगड़ा। बांगड़ा है, अपना बांगड़ा है। तो अच्छा है बांगड़ा है। एंड मैं फिलहाल चला बोट पे। तो आते कभी है? अरे शर्मा मत। अरे शर्मा मत। तो भाई बोल रहे हैं कि अभी जाते हैं। रहते हैं हम कितने दिन में? 5 दिन। 5 दिन में? 5 दिन तो नहीं आ सकता यार। यहाँ पे ये किचन एरिया है, यहाँ पे खाना बनता है। हाय भाऊ क्या बना रहे हो? कौन सी मछली? मड़ोसा। मड़ोसा 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 मच्छी बन रहा है। कुछ तो मैं खा सकता हूँ क्या? कुछ ना बुराई क्या? थोड़ा सा मुझे टेस्ट करा सकते हो है? जब बन जाएगा तो? बन जाएगा तो करेगा। हाँ थैंक यू। ये स्क्विड है, स्क्विड हाथ लगा के देखो। स्क्विड। तो ये पूरा स्क्विड का तिजोरी निकला है अभी तक। तो सीन वही है, मतलब अलाउ तो कर रहे हैं, उन्होंने हाँ बोल दिया, बट सीन वही है कि अभी मैं यहाँ पे आज गया तो मैं 3 या 4 दिन बाद ही आऊँगा, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। 3 या 4 दिन तो मेरे पास नहीं है, मतलब एक ही चीज़ के लिए। अब छोटा बोट होगा तो शायद मैं पूछता हूँ, नहीं तो यहाँ पे सब बड़े बड़े बोट्स हैं तो ये 3-4 दिन के बाद ही आते हैं, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी क्रॉस करके ये वाले बोट पे। तो सर मुझे दूसरा बड़ी मच्छी दिखा रहे हैं। नौ नंबर में। नौ नंबर को? नौ नंबर किधर है? खुला हुआ है तो स्पेशली मेरे लिए 9 नंबर खोला जा रहा है। अरे बाप रे। और तेरी ये कौन सा फिश है? ये वाला कौन सा मछली है? वागली। वागली भाई बहुत ही बड़ा है। कम से कम इतना बड़ा रहेगा। थोड़ा सा एकदम चावल चावल थोड़ा सा बस।
नहीं बस 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 जाना जाना थैंक यू तुम्हें यहाँ बैठ के खाऊंगा आराम से पोर्ट पे पहले फिश खा के देखते हैं एकदम फ्रेश फिश सिंपल ज़्यादा मसाला नहीं एकदम सिंपल मज़ा आ गया सुबह से कुछ भी नहीं खाया था सच में चाय पी के निकला जाता काका के घर से बस वही अभी बज रहे एक मैं मुंबई से थोड़ा बैग भारी रहेगा मैं इतने इतने साथ ये फाटा है ना फाटा थैंक यू भाव नहीं मिला नहीं सो गाइस प्लान में चेंज हो गया मैं तरकरली बीच नहीं गया क्योंकि जो गाड़ी में बैठा था वो अंकल ने बोला कि वो साइड ज़्यादा रास्ते मतलब वो साइड ज़्यादा ये टाइम पे गाड़ियाँ नहीं जाती तो मुझे मेन रास्ते कुडाल साइड लेके आए तो कुडाल में अभी जब आ ही रहा था तो मेरे को याद आया कि मेरा एक फ्रेंड रहता है मेरे बिल्ड मतलब बचपन का दोस्त रहता है उसका गांव है कुडाल में तो मैंने सोचा वहीं पे चले जाते हैं तो मैंने उसको कॉल किया मैंने पूछा एंड ही वाज लाइक कि आ जाओ तो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से पता नहीं अभी कितना किलोमीटर है 7-8 किलोमीटर है देखते हैं और हालत पूरा हो गया यार पूरा हालत हो गया बाल बाल काका फुड़े 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 हे अपना साई समर्थ मंदिर है ना श्री साई समर्थ समझ मालिक मस्त बनाया आपने वाह अच्छा लगा मस्त है शांत है मस्त एकदम हाँ मतलब एकदम आप वो मैं पूछा कोई रहेगा तो बोला वहाँ पापा है घर पे मतलब उधर गांव में हाँ तो मैं पहुँच चुका हूँ कुडाल तो यहाँ से तारकरली बीच है लगभग 15 किलोमीटर तो वो शायद कल सुबह कवर कर दूंगा मैं तो वो बीच भी फिलहाल अभी तो भाई बहुत थक गए हैं बहुत थक गए जनरली थक गया मैं सुबह से अब मैं वापस जा रहा हूँ नहाने अच्छा पानी से मस्त तो वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एंड होप आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो एंड बताओ कैसा लग रहा है एंड क्या कर सकता हूँ और मैं जो भी रहेगा इनपुट आप देते रहो बिंदास और मैं करते रह रहा हूँ जो मेरे से बन पड़ रहा है तो और बहुत मेहनत हो रहा है तो लाइक एंड शेयर तो करते रहो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इधर सोना अलाउ नहीं है इधर बाय द वे गोवा हम लोग पहुंच चुके हैं ये लिफ्ट ढूंढ रहा हूँ और आगे तक और नजदीक तक चले जाऊं बीच के ताकि रहने और सब कुछ का जुगाड़ हो जाए देखो आज का नसीब इतना अच्छा है कि आज मुझे ऐसा स्टे मिल गया